विज्ञापनों के दम पर चल रही योगी सरकार 2022 में सत्ता परिवर्तन तय शंकर तिवारी यूपी के बलरामपुर में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ कार्यक्रम के तहत गोरखपुर क्षेत्र के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के पुत्र पूर्व सांसद शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी बलरामपुर पहुंचे तुलसीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे डॉक्टर भानु त्रिपाठी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर एस यादव सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारियों सहित विधायक भी मौजूद रहे जिले के महाराजगंतराई के रामपुर बनराहा गांव में आयोजित भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी के नेता युम लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भानु त्रिपाठी ने किया डॉक्टर भानु त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए तुलसीपुर विधानसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी ने शिरकत की कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर भानु त्रिपाठी ने मंच से उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार को लाल टोपी से नफरत सी हो गई लेकिन जिस रंग का वो अपमान कर रहे हैं वो हमारी माताओं बहनों का सम्मान है यही लाल रंग क्रांति का प्रतीक है समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता के सिर पर सजी लाल टोपी आने वाली क्रांति की तस्वीर दिखा रही है जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता डर रहा है यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 मुख्यमंत्रियों को एक गृह मंत्री व देश के प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैदान में उतार दिया है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले इन सबके मुकाबले भारी पड़ते दिख रहे हैं यहाँ मौजूद हजारों की भीड़ इस बात की तस्दीक करती है कि आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की ही बनने वाली है वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर एस पी यादव ने मंच से किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि योगी सरकार ने गौरक्षा के नाम पर किसानों को जमकर उत्पीड़न किया है किसान दिन में तो जागता ही था अब उसे रातों में भी जागना पड़ रहा है और अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती है उन्होंने कहा कि आमदनी दुगनी करने की बात करने वालों को यह जानना चाहिए कि खेतों में तार लगाने से खर्चा दुगना हो गया है लेकिन आमदनी दुगनी नहीं हुई उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि आप अपने ओट का सही इस्तेमाल करें और उन हाथों को मजबूत करें जो आपकी हिफाजत कर सके उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर में केवल तीन महीने का तेल बचा है यह तेल ख़त्म होते ही उनका बुलडोज़र खड़ा हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बन जाएगी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए पूर्व सांसद भीष्मशंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी ने जब मंच संभाला तो उनके सामने मुख्यमंत्री योगी नजर आए उन्होंने कहा कि आज जिस एक्सप्रेस वे पर फाइटर जेट प्लेन उतारकर सरकार ढिंढोरा पीट रही है वह एक्सप्रेस वे हमारे नेता अखिलेश यादव ने बनवाया था और शुरुआती दौर में ही उस पर जेट विमान उतारकर उसका ट्रायल भी किया गया था ये हमारी नकल कर रहे हैं उन्होंने कहा ये सरकार केवल किसानों और आम जनमानस का उत्पीड़न करने के लिए सत्ता में बैठी है है योगी उसे कहते हैं जिसको अपने गुस्से पर कंट्रोल होता है। लेकिन ये कैसे योगी हैं जो आवेश में आकर ये किसी के घर पर भी बुलडोजा चला सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं उन्होंने कहा कि यह सरकार विज्ञापनों के दम पर चल रही है आज के वक्त में अखबार उठाते ही चार पन्ने विज्ञापन के होते हैं हजारों करोड़ों रुपए गरीब किसानों का यह सरकार विज्ञापन पर खर्च करके अपने कामों को गिनाने में जुटी हुई है उन्होंने कहा कि आज इनको जन विश्वास यात्रा निकालनी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने जनता के बीच अपना विश्वास खो दिया है लेकिन अब इस यात्रा का लोगों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है आने वाला वक्त और यहाँ जमा हुई भीड़ यह बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले 2022 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होना तय है और पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामसागर अकेला अक्षय श्रीवास्तव जिला उपाध्यक्ष नाथ पटेल प्रदेश सचिव सपा राजाराम गौतम जिला उपाध्यक्ष चतुर्भुज यादव डॉक्टर एसके यादव कैलाश यादव संतोष गौतम नानबाबू यादव अब्दुल हाई रामनारायण यादव जितेंद्र मिश्रा बुद्धेशमणि त्रिपाठी सहित दर्जनों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे